नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर निगम रोहतक की टीम ने रविवार को किला रोड पर बैरिकेड हटाई। दरअसल यह कार्यवाही स्थानीय दुकानदारों की पहल पर ही हुई थी। दुकानदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल से मुलाकात कर बाजार की समस्याओं से अवगत कराया था। इनमें से सबसे प्रमुख मांग सड़क के बीच में रखे बैरिकेड हटाने की थी। अब सोमवार से पुलिस इस बाजार में तैनात रहेगी। सड़क के बीच में किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। यहां नो पार्किंग जोन रहेगा। वाहनों के लिए दिल्ली गेट स्थित भगत सिंह पार्किंग बनाई गई है। किला रोड पर बीच सड़क में दो पहिया वाहन खड़े करने से हर समय जाम की स्थिति बनी रहती थी। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। आज हम किला रोड से, ये जो लगभग 6 महीने पहले हमने बैरिकेड्स लगाए गए थे किला रोड के बीच में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, वो सिर्फ ट्रायल बेस के लिए लगाए गए थे। लेकिन अब दुकानदारों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि आप बैरिकेड से हटा दे, प्रशासन बैरिकेड से हटा दे, हम किला रोड पे कोई भी व्हीकल पार्क नहीं करेंगे। इसलिए आगे त्योहारी सीजन आ रहा है, भीड़ भाड़ के मद्देनजर रखते हुए और जो जितने भी अपने दुकानदार भाई हैं उनके डिमांड को देखते हुए आज हम ये बैरिकेड से हटा रहे हैं। कुछ किला रोड के दुकानदार बिल्कुल बाहर आए हुए हैं इनके खिलाफ। किला रोड पे आज के बाद कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की फड़ी या किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल या पार्क करेगा तो उसका व्हीकल जब्त कर लिया जाएगा, उसका जुर्माना लगाए बिना नहीं दिया जाएगा, नगर निगम द्वारा जब्त कर लिया गया। और जो भी दुकानदार भाइयों से मेरा निवेदन है कि भीड़ भाड़ बहुत बढ़ेगी आगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता त्योहारी सीजन आ ही रहे हैं, तो इसलिए कोई भी दुकानदार दुकान से अपना बाहर सामान ना रखे, लिमिट में रहे, यही मेरा सबसे निवेदन। सहयोग। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।